प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका चैतन्य स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष IAS PCS की कोचिंग करवाता है, ठीक है, जिसमें कि आप अपनी IAS और PCS की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। उसके अलावा ये कोचिंग केवल अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदि अभ्यर्थी को ही दी जाती है। इसमें आपसे किसी प्रकार का भी कोई सा शुल्क नहीं लिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताते हुए चलूं, इसकी सूचना लगभग जून के लास्ट में अथवा जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के जून के अंतिम सप्ताह तक इसकी सूचना आती है कि आप अपना आवेदन इस कोचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप जैसे ही आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद आपको इस कोचिंग में पढ़ने के लिए एक छोटी सी प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उस प्रवेश परीक्षा में आप उस प्रवेश परीक्षा को पास करेंगे और उसके बाद फिर आप कोचिंग करने के योग्य हो जाएंगे। उसके बाद आप कोचिंग करने के बाद आप चाहे IAS का एग्ज़ाम दीजिए अथवा PCS का, ये आपकी योग्यता और रुचि पर निर्भर करता है। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको ये बताते चलूं कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो जो कोचिंग जो आयोजित की जाती है, कोचिंग कराई जाती है, वो कोचिंग 7 तरह की है, ठीक है, 7 कोचिंग हैं। उन सभी कोचिंगों के नाम, उन सभी कोचिंगों की मेरिट लिस्ट और उन सभी कोचिंगों में अभ्यर्थियों की संख्या अलग अलग है, जिसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। और यदि आप चाहते हैं तो इस वीडियो से और पहले वाली वीडियो में जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, आप उस पर भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं बात करता हूँ सिलेबस की, जो कि कोचिंग में जाने से पहले परिप्रवेश परीक्षा होती है। तो उस प्रवेश परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन के प्रश्न, इतिहास, जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण रसायन या पर्यावरण विज्ञान, और उसके अलावा विज्ञान और इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि कुछ 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 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी इसमें शामिल होते हैं। इसका क्या क्या सिलेबस है, किस 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 सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसके लिए मैंने सन 2018 और सन 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर इसी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इसी चैनल के माध्यम से UPSWD कोचिंग वाली जो प्रवेश परीक्षा की जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। वर्ष 2019 की UPSWD यानी कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की कोचिंग की जितनी भी जानकारी है, मैंने एक 2019 SWD कोचिंग एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी प्रकार की कोई ऐसी भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको और बताऊं आगे इसके अलावा, और ऐसे हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो हमारे चैनल पर पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और उनका सिलेक्शन वर्ष 2019 की कोचिंग में हो चुका है, ठीक है, तो वो अभ्यर्थी भी कमेंट करके बताएं कि उनका कौन सी रैंक पे कितने नंबर हैं और उन्होंने किस किस तरीके से कोचिंग में अपनी तैयारी की है। उसके अलावा कोचिंग वहाँ पर किस तरह की कराई जा रही है, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ हैं, वो भी हमें जानकारी हम आपसे ले सकेंगे, इसलिए आप कमेंट करके हमें बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। खबरों को, ऐसी खबरें जो कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हों, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो संचालित कोचिंग होती है, मैं उसकी जानकारी तो दूंगा। उसके अलावा आपको पूरे इंडिया में जितनी भी कोचिंग जो कि फ्री कराई जाती है ऐसे अभ्यर्थियों को या फिर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो कि किसी कारणवश अपनी आर्थिक दशाओं की, जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है उनकी कमजोरी की वजह से वो अपनी कोचिंग को नहीं कर पाते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतर विकल्प है कि वो छोटी सी और अपनी अच्छी सी बेहतर तैयारी करें, किसी भी फ्री कोचिंग वाला, फ्री कोचिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और वहाँ पर फ्री में कोचिंग करें। आपको खाने की, रहने की, पढ़ाने की हर तरह की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है।
चल तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।